हरियाणा से जुड़ी खबर है। कांग्रेस के 32 उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। 28 सिटिंग विधायकों का टिकट बरकरार किया गया, यानी 28 विधायकों को रिपीट करने का फैसला। विनेश फोगाट झुलाना से चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई से प्रत्याशी हैं। सीएम सैनी के खिलाफ मेवा सिंह को टिकट दिया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कई बैठकों के बाद कांग्रेस ने अपने 32 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने हरियाणा में अपने मौजूदा 29 विधायकों में से 28 पर भरोसा जताते हुए उनको दोबारा से चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई से टिकट दिया गया है। उनके खिलाफ बीजेपी ने मंजू हुड्डा को प्रत्याशी बनाया है। सीएम नायब सिंह सैनी के खिलाफ कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से मेवा सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। कल ही कांग्रेस में शामिल हुई पहलवान विनेश फोगाट को उनकी ससुराल जुराना से टिकट मिला है। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा के 4 समर्थक विधायकों को फिर से टिकट दिया गया है। लोकसभा चुनाव हारने वाले रावदान सिंह को महेंद्रगढ़ से फिर उम्मीदवार बनाया गया है। 2019 का चुनाव हारे सिर्फ एक नेता और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान को टिकट दिया गया है। रेवाड़ी से लालू के दामाद और 2 बार से विधायक चिरंजीव राव को मैदान में उतारा गया है। वहीं कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में जातीय समीकरणों का पूरा ध्यान रखा है। लिस्ट में 9 उम्मीदवार जाट समुदाय से हैं। अनुसूचित जाति से 9 और पिछड़ा वर्ग के 7 उम्मीदवारों को जगह दी गई है। वहीं 3 मुस्लिम, 2 ब्राह्मण, 1 सिख और 1 पंजाबी शख्स को लिस्ट में जगह दी गई है। ये 30-30 के आसपास विनेश हो गया। मेरे ख्याल से झुलाना से और कांग्रेस ने जहां विनेश फोगाट को टिकट दिया है तो वहीं बजरंग पूनिया को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस ने बजरंग पूनिया को किसान कांग्रेस का वर्किंग चेयरमैन बनाया। बजरंग ने किसानों के लिए काम करने की बात की थी। सुखपाल खेरा हैं किसान कांग्रेस के चेयरमैन। देखिए, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों का धन्यवाद और मुझे उम्मीद है जितना प्यार कुश्ती में मिला उतना ही प्यार मुझे इस लड़ाई में भी मिलेगा। और पिछले मैं 3 आंदोलन मैंने देखे हैं अपने आप लाइफ में जो सबसे बड़े हैं, किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन और अग्निपथ आंदोलन। तो वो लड़ाई जो हमारे नेता राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उसके साथ खड़े रहेंगे। और वो लड़ाई में हमेशा जो लड़ाई जैसे बहन बेटियों की लड़ाई में मैं बहनों के साथ खड़ा था, ऐसे ही आगे भी कोई भी ऐसी चीज़ होगी हम देश में उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जो लड़ाई आपने जनता मंत्रों शुरू की थी क्योंकि पीछे तो नहीं छूट जाएगी, कोई कोर्ट में भी चल रही है, पीछे क्यों छूट जाएगी भाई? जब लड़ाई ब्रिजभूषण से थी पूरी बीजेपी से। देखो सपोर्ट कौन कर रहा है ब्रिजभूषण को, आप बता दीजिए कौन सपोर्ट कर रहा है। बस धन्यवाद जी, धन्यवाद। अजी बताइए आप विनेश और विनेश आपके लिए भी करेंगे प्रचार? बिल्कुल करेंगे भाई। हरियाणा कांग्रेस की शिकायत के बाद कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर का तबादला कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है आप जरा देखिए। हरियाणा कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कुरुक्षेत्र डिप्टी कमिश्नर सुशील सारवान का ट्रांसफर करने की मांग की थी। कांग्रेस ने अपने पत्र में बताया था कि बीजेपी ने मुलाना सीट से संतोष सारवान को अपना प्रत्याशी बनाया है जो कि कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर सुशील सारवान की मां है। मुलाना विधानसभा की सीमाएं कुरुक्षेत्र से लगी होने के कारण कांग्रेस ने गड़बड़ी होने की आशंका जताई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कुरुक्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर सुशील सारवान का ट्रांसफर कर दिया। और आतंकी अफजल गुरु को लेकर उमर अब्दुल्ला का बयान, अफजल गुरु को फांसी से कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर सरकार से इजाजत नहीं ली गई थी। उमर अब्दुल्ला खबर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ऐसा बयान दिया कि जम्मू कश्मीर में सियासी बवाल शुरू हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि अफजल को फांसी देने से कोई मकसद पूरा नहीं हुआ और फांसी देने में जम्मू कश्मीर सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government, which I can tell you in no uncertain terms would not have been forthcoming. Why? It wouldn't have. We wouldn't have done it. I don't believe that any purpose was served by executing him. I don't.
उमर के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि बयान से साबित हो गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ आतंकियों के साथ है। इंडिया अलायंस का हाथ हमेशा आतंकवादियों के साथ। जिस प्रकार से उमर अब्दुल्ला ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि अफजल गुरु को फांसी की सजा देने से कोई चीज हासिल नहीं हुई, कुछ नहीं हासिल हुआ, तो क्या वो कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत निर्णय लिया था? वही सुप्रीम कोर्ट जो संवैधानिक पीठ है। वही उमर अब्दुल्ला को जवाब देते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को पता है कि उनकी राजनीतिक जमीन खिसक रही है, इसलिए वो इस तरह का प्रचार कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद और पत्थरबाज को बढ़ावा देने वाली ताकतों की पैरवी कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है और वो इस प्रकार का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बड़ी खबर गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर है। आज जम्मू में गृहमंत्री अमित शाह चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। खबर यह है कि जम्मू के पलौरा में जनसभा करेंगे गृहमंत्री अमित शाह, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे अमित शाह। जम्मू कश्मीर बीजेपी के जारी संकल्प पत्र को लेकर सियासत शुरू हो गई है। आतंकवाद पर बीजेपी के श्वेत पत्र जारी करने को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि बीजेपी को अपने दौर पर एक श्वेत पत्र निकालना चाहिए। पहली बात तो अगर 300 अगर उन्होंने स्टेटहुड का वादा किया है तो स्टेटहुड उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं रखा है? हमने नहीं देखा कि उन्होंने स्टेटहुड अपने मैनिफेस्टो में भी रखा है। उससे क्लियर हो जाता है कि उनको स्टेटहुड देने का कोई भी इरादा जम्मू और कश्मीर को नहीं है। जम्मू और कश्मीर बीजेपी के दौर में 10 साल में यहाँ खून बह रहा है, जो 370 हटने के बाद यहाँ हर रोज एनकाउंटर होता है, जो एनकाउंटर आप दिखाते नहीं, उसकी बात नहीं करते, उस पे भी एक वाइट पेपर निकालें। वहीं पीडीपी महासचिव महबूब बेग ने कहा है कि बीजेपी कई वादे करने वाली पार्टी है। अब अगर कश्मीर वैली में, आपको मैं गारंटी एक बात दे सकता हूं, अगर कश्मीर वैली में ये अपने बीजेपी कैंडिडेट्स की जमानत बचा सकेंगे, आप मुझसे फिर आइए, मेरा इंटरव्यू लीजिए, मैं सियासत छोड़ दूंगा। खबर मणिपुर से। मणिपुर में उग्रवादियों ने हमला किया है। यह हमला रॉकेट से किया गया और इस हमले में एक की मौत और 5 घायल। वही जानकारी सामने आ रही है, अशांति के चलते आज स्कूल बंद का ऐलान किया। मणिपुर के विष्णुपुर जिले में शुक्रवार 2 जगहों पर रॉकेट हमले हुए। इन हमलों में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। बीते कुछ दिनों से मणिपुर में उग्रवादी अलग अलग तरह से गांव पर हमलों को अंजाम दे रहे हैं। पिछले दिनों ड्रोन से हमला करने के बाद अब उग्रवादियों ने रॉकेट से हमला किया। पहला रॉकेट हमला ट्रोंगलोबी में हुआ, जिसमें 2 इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। दूसरा रॉकेट हमला मोईरांग शहर में पूर्व सीएम मिरिम्बम कोइरेंग के आवासीय परिसर में हुआ, जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। अब खबर शिमला से है। शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर आज सुनवाई। कमिश्नर कोर्ट में 11 बजे ये सुनवाई होगी। वक्फ बोर्ड के वकील रखेंगे अपना पक्ष। संजौली मस्जिद के अवैध निर्माण पर विवाद। शिमला के संजौली में मस्जिद निर्माण के विरोध में हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद से इलाके में काफी तनाव है। साल 2007 से ही मस्जिद में चल रहा अवैध निर्माण विवादों में है और फिलहाल ये मामला म्यूनिसिपल कमिश्नर कोर्ट में लंबित है, जिस पर आज अहम सुनवाई होनी है। संजौली अवैध निर्माण के मामले में वक्फ बोर्ड के वकील और नगर निगम के वकील अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि संजौली में विरोध प्रदर्शन के बाद कल भी तनाव रहा। तनाव को देखते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों को मस्जिद में जुटने से परहेज करने को कहा गया, जिसके बाद संजौली और कसमपट्टी मस्जिद में जुम्मे की नमाज नहीं हुई। एक तरफ सरकार संजौली में शांति कायम करने में जुटी है, भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा है सरकार को अल्टीमेटम दिया है। VHP ने कहा है कि अवैध मस्जिद को जल्द से जल्द तोड़ा जाए। VHP ने कहा कि अगर सरकार मस्जिद नहीं तोड़ती है तो हम बैठक कर आगे की रणनीति तय करेंगे। इससे पहले कई हिंदू संगठनों ने सरकार को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था। फिलहाल सबकी नजर आज होने वाली सुनवाई पर है। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को वैध बनाने का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा में इसके लिए संकल्प पारित किया गया। हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कर्मचारियों को सैलरी देने में भी दिक्कत हो रही है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है।
अब हिमाचल प्रदेश की सुक्कू सरकार भांग की खेती को लीगल बनाने जा रही है, यानी सरकार अब भांग से पैसा कमाएगी। इसके लिए सरकार ने विधानसभा में सरकारी संकल्प पारित किया है, बहुत जल्द सरकार भांग की खेती की इजाजत देगी। यूनानिमसली जो है ये रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया है। अब ये मतलब है कि पूरे हिमाचल के लोग चाहते हैं इसका, मतलब कि इसकी खेती हो, इसका इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल यूज से लोगों का जो है इनकम भी बढ़े, प्रदेश की आय भी बढ़े। तो अब रास्ता साफ हो गया है, अब हम जो है जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर जो पॉलिसी लाकर इसका। अब उत्तराखंड जैसे राज्यों की तर्ज पर हिमाचल में भांग की खेती लीगल होगी। इससे पहले सदन में इस पर चर्चा हो चुकी थी। साथ ही तीन राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर का दौरा कर भांग की खेती को औषधीय और औद्योगिक रूप में अपनाने की बारीकियों की जानकारी ली गई है। और हमने विभिन्न जो है हमारे जिलों के दौरे की, जिलों में हमने जनप्रतिनिधि जो हमारे पंचायती राज से चुने हुए लोग हैं उनके साथ हमने कई दौर की बैठकें अलग अलग जिलों में, और साथ में हम जो है पड़ोसी राज्य हमारा उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, इन और जम्मू कश्मीर में भी हमारी एक कमेटी जो है सब कमेटी गई। भारत में पिछले 40 साल से अधिक समय से भांग की खेती गैर कानूनी है। 1985 में भारत में भांग की खेती को अपराध घोषित किया गया था। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपराजिता विधेयक राष्ट्रपति को भेज दिया। ममता सरकार के अपराजिता विधेयक को बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति को विचार करने के लिए भेज दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार से तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति को भेजा है। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में विधेयक में कमियों की ओर भी इशारा किया है। इधर विधेयक को मंजूरी नहीं देने पर मुख्यमंत्री के धरने पर बैठने के अल्टीमेटम पर भी राज्यपाल ने नाराजगी जताई और संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने में विफलता के लिए ममता सरकार को फटकार लगाई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। मैसी इलाके में एक बार फिर से भेड़िया देखा गया है। आइए देखते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। यूपी के कई जिलों में भेड़ियों का आतंक है। ये तस्वीर बहराइच की है। मैसी इलाके में ये भेड़िया तेज रफ्तार से दौड़ते हुए देखा गया है। इस खबर के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है, लोगों की नींद उड़ी हुई है। बहराइच के 50 गाँव में आदमखोर भेड़िए का आतंक है। मैसी में आतंक मचाने वाले खूनी भेड़ी की दस्तक अब ग्रामीण इलाकों के बाद शहरी इलाके में भी बढ़ती जा रही है। भेड़ी ने देर शाम आंगन में खड़े लड़के पर हमला बोल दिया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर काफी लोग जमा हो गए, जिसके बाद भेड़िया फरार हो गया। भेड़ी ने बच्चे को घायल कर दिया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बच्चा जैसे आंगन में खेलत रहा और जैसे बाहर निकला, जैसे दरवाजे सामने पहुंचा, जैसे भेड़िया ने दौड़ के काट लिया। जब बच्चा चिल्लाने लगा तो हमने देखा तो दौड़ियन कस गए, तब भेड़िया ने भाग लिया। बहराइच के लोथनपुरवा गांव में भेड़िए ने 24 घंटे में दो बार हमला किया है। यहां एक 3 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। जब उसके दादा बच्चे को बचाने आए तो उस पर भेड़िए ने हमला कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गए, जिससे अस्पताल में भर्ती कराया गया। साहब ये भेड़िया ने काटा है साहब। भेड़िया ने? हाँ। अच्छा। काला काला सा लंबा सा था। अच्छा। हाँ, काट के भगवा साहब। ये बच्चा घर के अंदर था उस वक्त? ना यार, हाँ वही मड़िया में था। भेड़िया ही था पक्का? अकेला भेड़िया था। बहराइच के सिकंदरपुर गांव में भी भेड़ी का आतंक है। यहां पर गांव वाले हाथ में लाठी डंडे लेकर जंगल में भेड़ियों की तलाश में जाते हैं। तो बहराइच में जहां भेड़ियों का आतंक है, अब ऑपरेशन भेड़िया को किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, क्या रणनीति बनाई गई है, वन विभाग की टीम की तरफ से टीम 9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने वन अधिकारी से बात की है, क्या उन्होंने कहा आप देखिए। मुख्य वन संरक्षिका रेणु सिंह जी यहाँ पर थर्मल ड्रोन के जरिए नजर रहे हैं। मैम पूरी रात हो रखी है, आप खुद थर्मल ड्रोन के जरिए नजर रख रही हैं, अभी तक क्या उम्मीद लग रही है, कोई भेड़िया नजर आया अभी? देखिए भेड़िए जहाँ से भी हमें सूचना मिलती है वहाँ पे हम लोग तत्काल अपने थर्मल ड्रोन को उड़ाते हैं और देखते हैं। फिलहाल तो स्पॉट नहीं हुआ है भेड़िया, लेकिन कोशिश हम लोग कर रहे हैं, चूँकि अभी भेड़िए हैं, मतलब 4 भेड़िया हम पकड़ चुके, अभी 2 भेड़िए और हैं जिनको पकड़ा जाना है, तो कोशिश हम पूरी कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि हम लोगों ने जो पूरा सेक्टर है उसको हम लोगों ने डिवाइड कर दिया है 3 सेक्टर्स में, सेक्टर 1, 2 और 3, जहाँ पर कि वो ज़्यादा हमले कर रहे थे और जहाँ पे मार रहे थे वो, और एक रिजर्व सेक्टर रखा है हमने, और इसमें हमने टीम्स लगाई हुई हैं, लगभग 165 लोगों की टीम्स लगी हुई हैं जो दिन रात मॉनिटरिंग कर रहे हैं, दिन रात पेट्रोलिंग कर रहे हैं। 2 भेड़िए हैं, हम
जो हम लोगों ने देखा, जो हमने आइडेंटिफाई किया, छः भेड़िए थे, छः में से चार को पकड़ा जा चुका है। दो और भेड़िए हैं जो हम लोग को ड्रोन्स में दिखे थे, थर्मल ड्रोन्स में, तो उनको भी पकड़ने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और हिमाचल के चंबा में भी लोग खौफजदा हैं। यहां भालू के बाद तेंदुआ सड़कों पर घूमता नजर आया। तस्वीरें चंबा जिले के डलहौजी इलाके की हैं, जहां की सड़कों पर रात के समय तेंदुआ नजर आया, जिसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। एक मादा तेंदुए को उसके चार बच्चों के साथ यहां देखा गया। माना जाता है कि जब इनको जंगलों में खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, तब ये जानवर इस तरह से शहरों का रुख करते हैं। शहरी इलाकों में लोग गीला कूड़ा फेंकते हैं, जिसे खाने के लिए भी ये जानवर अक्सर उन इलाकों में आ जाते हैं। कुछ दिन पहले लगातार भालू और उनके बच्चे डलहौजी और आसपास के इलाकों में नजर आए थे। भालू के बाद अब तेंदुआ देखने से लोग डरे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। देश के कई राज्यों में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बारिश के बाद हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई हिस्सों में अब लगातार बारिश हो रही है। हैदराबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया है। ये हैदराबाद का नामपल्ली इलाका है, जहां भारी बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा हुआ है। आंध्र प्रदेश में भी कुदरत ने कहर बरपाया है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश से प्रदेश को काफी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू खुद मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सीएम नायडू हेलीकॉप्टर से लगातार सर्वे कर रहे हैं। नायडू ने बुद्ध मेरु धाम में आई दरार का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। वो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। शिवराज सिंह बाढ़ और बारिश से हुए नुकसान का जायजा ले रहे हैं। विजयवाड़ा के बाद शिवराज सिंह चौहान खम्मम पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ से हुए नुकसान के बारे में अधिकारियों से बात की। खम्मम पहुंचे शिवराज ने बाढ़ पीड़ितों से भी मुलाकात की। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राहत और बचाव कार्य जोरों पर है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार प्रभावित इलाकों में राहत कार्यों में जुटी हुई है। मौसम विज्ञान विभाग ने 9 सितंबर तक तेलंगाना के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने अगले चार दिनों के लिए कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक तटीय आंध्र प्रदेश और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती तूफान के चलते भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी के मुताबिक अगले दो दिनों में इसके धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ने की संभावना है। और राजस्थान में भी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया। फतेहपुर में हाल बेहाल है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई है। ये तस्वीरें राजस्थान के फतेहपुर की हैं, जहां सड़कें समंदर बनी हुई हैं। सड़कों पर 3 से 4 फुट तक पानी भरा हुआ है। बस स्टैंड के आसपास पानी लबालब है। लोगों के घरों में भी पानी घुसा हुआ है। लोगों का घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे स्कूली बच्चे अपने घर जा रहे हैं। बस स्टैंड पर फंसे इन बच्चों को ट्रॉली के जरिए घर पहुंचाया जा रहा है। ये बच्चे काफी समय से पानी में फंसे हुए थे, उसके बाद स्कूल प्रबंधक ने इन्हें ट्रॉली से घर पहुंचाया। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में बारिश ने कई सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। रेतीली धारों के बीच पानी ही पानी है। फतेहपुर के बाद सीकर जिले में भी बारिश से हाल बेहाल है। सिंचाई विभाग की माने तो सीकर जिले में मानसून ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजस्थान के रेगिस्तान में नाव चलती नजर आई। लगातार हो रही बारिश के बाद मौसम विभाग ने राजस्थान के कई जिलों में 8 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी किया है। और आइए अब देखते हैं लोकल टू ग्लोबल खबरें। आज अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे का दूसरा दिन फलौरा में कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी। केंद्र शासित प्रदेश के लोगों के से बीजेपी ने किए 25 बड़े संकल्प। बीजेपी ने अग्निवीरों को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में 20% कोटा देने का किया वादा। आईटी हब बनाने का भी जिक्र। संकल्प पत्र में 5 लाख नए रोजगार, बुजुर्ग महिलाओं को हर साल 18,000 रुपए देने का वादा। आतंकवाद के समर्थकों पर जारी रहेगा श्वेत पत्र। अमित शाह बोले, धारा 370 की अब कभी वापसी नहीं होगी। धारा 370 इतिहास बना। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का संपूर्ण सफाया करने का संकल्प। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी का बड़ा वादा, जम्मू कश्मीर को मिलेगी मेट्रो सुविधा। जम्मू कश्मीर बीजेपी कोर ग्रुप की हुई बैठक, चुनाव की रणनीति पर चर्चा। अमित शाह बैठक में रहे मौजूद।
हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। लिस्ट में 32 लोगों के नाम शामिल। कांग्रेस की पहली लिस्ट में 9 जाट, 9 एससी, 7 ओबीसी, 2 ब्राह्मण, 3 मुस्लिम, 1 पंजाबी और 1 सिख उम्मीदवार को मिला टिकट। कांग्रेस ने 28 मौजूदा विधायकों पर फिर जताया भरोसा और इसारना सीट से सीटिंग विधायक बलवीर सिंह को घोषित किया गया उम्मीदवार। भूपेंद्र हुड्डा को गढ़ी सांपला से, विनेश फोगाट को जुलाना से, वहीं लाड़वा सीट से सीएम सैनी के खिलाफ मेवा सिंह को टिकट दिया। 2019 का विधानसभा चुनाव हार चुके सिर्फ एक नेता उदय भान को मिला टिकट। वहीं सोनीपत से जेल में बंद सुरेंद्र पवार को भी टिकट। ब्रिजभूषण मामले पर बोली विनेश फोगाट, मैं न तो डरने वाली हूं न ही पीछे हटने वाली, मामला अदालत में है, हम वहां भी जीतेंगे। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के चुनाव लड़ने पर रेलवे ने फंसाया पेच, दोनों का नहीं किया इस्तीफा मंजूर। कांग्रेस में शामिल होने के बाद बोली विनेश, अपनी बहनों के साथ रहूंगी खड़ी। ब्रजभूषण के साथ थी लड़ाई अब पूरी बीजेपी से। कांग्रेस ने बजरंग पूनिया को दी बड़ी जिम्मेदारी, किसान कांग्रेस का बना वर्किंग चेयरमैन। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया पर सीएम सैनी का बड़ा बयान, कहा दोनों कांग्रेस की सियासत के हुए शिकार, विनेश हमारी बेटी और शक। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से गठबंधन में फंसा पेच, दीपक बावरिया बोले अभी अंतिम फैसला। हरियाणा में अकेले चुनाव लड़ सकती आम आदमी पार्टी, सूत्रों के मुताबिक 50 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी। दीपक बावरिया बोले कांग्रेस के 70 से 80 उम्मीदवारों के नाम तय, बजरंग पूनिया के चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने पर अभी फैसला नहीं। हरियाणा में कांग्रेस से गठबंधन पर बोले आम आदमी पार्टी नेता राघव चड्ढा, गठबंधन को लेकर बातचीत जारी। जम्मू कश्मीर चुनाव में उठा आतंकी अफजल गुरु का मुद्दा, उमर अब्दुल्ला बोले अफजल को फांसी से कोई मकसद नहीं हुआ। उमर अब्दुल्ला के बयान पर बीजेपी कपलटवार, शहजाद पूनावाला बोले नेशनल कॉन्फ्रेंस का हाथ आतंकियों के साथ। उमर अब्दुल्ला के बयान पर रविंद्र रैना कपलटवार, बोले आतंकियों की पैरवी कर रहे उमर, केवल फैला रहे भ्रम, सियासी जमीन खिसकी। इफ्रा जान बोली जम्मू कश्मीर की आवाम से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं, उन्हें झूठ बोलकर केवल सरकार बनाने से मतलब है। शिमला में संजौली मस्जिद विवाद में आज कमिश्नर कोर्ट में सुनवाई, शहर में तनाव के चलते सुरक्षा कड़ी। आज वक्फ बोर्ड और नगर निगम के वकील रखेंगे अपना पक्ष। कल संजौली और कसुंटी मस्जिद में नहीं हुई थी जुमे की नमाज। शिमला में संजौली मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद पर बोले सीएम सुक्खू, कानून के आधार पर कार्रवाई होगी। संजौली मस्जिद अवैध निर्माण पर विश्व हिंदू परिषद का सरकार को अल्टीमेटम, कहा जल्द तोड़े मस्जिद। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को वैध करने का रास्ता साफ, सदन में संकल्प पारित, सरकार जल्द लाएगी पॉलिसी। ओडिशा के चांदीपुर में बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का हुआ सफल ट्रायल, स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड की निगरानी में हुआ परीक्षण। अखिलेश के मंगेश यादव एनकाउंटर वाले बयान पर बोले ओम प्रकाश राजभर, क्या आधार कार्ड देकर अपराधियों पर गोली चलाएगी पुलिस। दिग्विजय चौटाला बोले अगर दादा ओम प्रकाश चौटाला चुनाव लड़ेंगे तो मैं नहीं लड़ूंगा, दादा की करूंगा मदद। बिहार में भूमि सर्वेक्षण पर बढ़ा विवाद, कागजात दुरुस्त कराने में वसूली का आरोप, ऑफिस में उमड़ रही भीड़, धरना प्रदर्शन जारी। बिहार के मंत्री दिलीप जायसवाल का बयान बोले जिन लोगों के पास जमीन की ऑनलाइन रसीद, उन्हें जमीन के कागज दिखाने की जरूरत नहीं। बिहार में भूमि सर्वे के दौरान दबंगों की कर्मचारियों के साथ अभद्रता का मामला, कर्मचारी बोले जान से मारने की मिल रही धमकियां। इम्फाल में प्रदर्शनकारियों ने बनाई मानव श्रृंखला, मणिपुर में हिंसा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। राहुल गांधी बोले उज्जैन और सिद्धार्थ नगर में महिलाओं के साथ हुई बर्बरता, मानवता पर कलंक, देश के लिए गंभीर चिंता का विषय। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने शिवराज चौहान से मुलाकात की, कई मुद्दों पर चर्चा हुई। आईआईटी गुवाहाटी एयरबस के साथ मिलकर खोलेगी ग्लोबल ट्रेनिंग सेंटर, सीएम हेमंता ने समझौता ज्ञापन पर साइन किया। कांग्रेस का सेबी प्रमुख माधवी पुरी पर आरोप, कहा कि जिस फर्म के खिलाफ सेबी की जांच उसी को माधवी ने किराए पर दी है बिल्डिंग। कांग्रेस ने सेबी प्रमुख पर हितों के टकराव का आरोप लगाया, पीएम मोदी से पूछा कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही। अश्विनी वैष्णव और अनिल कपूर टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल, लिस्ट में 15 भारतीय या भारतीय मूल के लोग। जेपी नड्डा का आरजेडी को जवाब, कहा कि मुरैठा बांधने वाला अब नहीं रहा समाना, यह बदलता हुआ बिहार। लखनऊ में जुमे की नमाज पर वक्त बिल का विरोध, नमाजियों ने क्यूआर कोड स्कैन करके जेपीसी कमेटी को भेजी अपनी राय। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर मुरादाबाद के मुसलमानों में नाराजगी, क्यूआर कोड स्कैन करके विरोध जताया गया। करीब 9 घंटे तक चली वक्फ पर जेपीसी की चौथी बैठक, संस्कृति मंत्रालय और एसआई ने बिल का समर्थन किया, बताया जरूरी कदम। बीजेपी के संविधान जागृति यात्रा पर बोले किरण रिजिजू,
कांग्रेस ने फैलाए झूठ को उजागर करके लोगों को किया जा रहा जागरूक। सीएम योगी ने गोरखपुर में बीजेपी सदस्यता अभियान की शुरुआत की। राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ने की लोगों से अपील की। कुरुक्षेत्र के डीएम सुशील सारवान हटाए गए हैं। कांग्रेस ने ईसीआई से शिकायत की थी। मुलाना से बीजेपी उम्मीदवार है। कलेक्टर की मांग। रूस के जेलनोग्राद में एक रेलवे स्टेशन पर डिपो में लगी भीषण आग। घटनास्थल पर पहुंची एम्बुलेंस और दमकल की गाड़ी। रूसी सेना का यूक्रेन सैन्य ठिकाने पर हमला। ड्रोन हमले में तबाह हो गया यूक्रेनी बख्तर मनवा। रूसी गनर का स्कोप फुटेज आया सामने। यूक्रेनी वैम्पायर ड्रोन को निशाना बना रहे रूसी सैनिक। रूस के उत्तरी बेड़े ने नाटो के साथ जंग की शुरू तैयारी। बैरेंट्स सागर से किया युद्धाभ्यास। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना की बमबारी। आईडीएफ ने 3 इलाकों में 9 स्थानों पर किए हमले। इसराइल की भारी बमबारी से धुआं धुआं हुआ इलाका। हिजबुल्ला ने सभी इकाइयों को अलर्ट पर रखा। लेबनान के इलाके में इसराइल की भारी बमबारी। गलील तक सुनी धमाकों की आवाज। आयोवा का विमान इंडियाना के खेत में दुर्घटनाग्रस्त। विमान में सवार सभी लोग मारे गए। चीन में शक्तिशाली याकी तूफान का कहर। भारी बारिश और तेज हवाओं से अस्त व्यस्त हुआ जनजीवन। कई इलाकों में गुल हुई बिजली। मेंचांग शहर में 223 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ याकी तूफान टकराया। तूफान के कारण रेल और उड़ाने निलंबित। स्कूल बंद। सुनीता विलियम्स के बिना आज पृथ्वी पर लौटेगा बोइंग का स्टार लाइनर। नासा के अनुसार मैक्सिको में उतरेगा स्टार लाइनर। लॉस एंजल्स में सड़कों पर उतरे सैकड़ों लोग। कॉर्पोरेट जमींदारों के प्रतिशोध प्रस्ताव 34 का किया विरोध। पाकिस्तानी अदालत का दुर्लभ फैसला। सेना के जनरल को अहम पद से हटाने के दिया आदेश। नेपाल ने शर्तों के साथ टिकटॉक से हटाया बैन। सामाजिक सौहार्द में खलल के चलते नवंबर 2023 में लगा था प्रतिबंध। भूमध्य सागर में भारतीय नौसेना ने दिखाई ताकत। फ्रांस के साथ किया युद्धाभ्यास। पीएम मोदी के सिंगापुर दौरे के बाद गणेशोत्सव की धूम। अपना पहला गणेश महोत्सव आयोजित कर रहे प्रवासी भारतीय। राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया पश्चिम बंगाल का अपराजिता बिल। राज्यपाल बोस ने अपराजिता बिल राष्ट्रपति को भेजा। पश्चिम बंगाल के नए अपराजिता कानून पर बोले केंद्रीय कानून मंत्री के इसको कवर अप करने के लिए बनाया गया कानून। आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज करप्शन मामले को लेकर ईडी की रेड। संदीप घोष के फार्म हाउस पर पहुंची। हुगली के हरिपाल में नाबालिग से रेप पर बोले अमित मालवीय लड़कियों के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश बना पश्चिम बंगाल। विजयवाड़ा की शांतिनगर में बदमेरू नहर क्षतिग्रस्त। मरम्मत में जुटा सेना का इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। चंडीगढ़ में झमाझम बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया। कई जगह जलभराव। सड़कों और गलियों में भरा पानी। तेलंगाना के हैदराबाद में भारी बारिश के बाद जलमग्न हुई सड़कें। वाहनों की थमी रफ्तार। विजयवाड़ा में बाढ़ के हालात पर बोले सीएम चंद्रबाबू नायडू संकट को अवसर में बदलना चाहता। नागरिक आपूर्ति मंत्री के साथ विजयवाड़ा पहुंचे सीएम नायडू। बाढ़ पीड़ितों के मुफ्त आपूर्ति स्टॉक का लिया जायजा। केंद्र ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को दिए राहत पैकेज। लंका धनकर बोले बाढ़ राहत के लिए 3,300 करोड़ रुपए आवंटित किए। अजमेर के रिहायशी इलाकों में भारी जलभराव हो गया। सड़कें जलमग्न होने से बाधित हो गया आवागमन। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 12 सितंबर तक देश के अलग अलग प्रदेशों में होगी भारी बारिश। राजस्थान के फतेहपुर में बारिश के बाद हालात खराब हुए। शेखावटी में चली नाव। जलभराव में फंसे छात्रों को ट्रैक्टर से बाहर निकाला गया। जबलपुर रेलवे स्टेशन के पास सोमनाथ एक्सप्रेस के 2 डिब्बे बेपटरी हो गए। रेलवे ट्रैक ठीक करने का काम शुरू किया गया। बहराइच के महसी में देखे गए दोनों भेड़िए। महसी के दर्जनों गांव में है भेड़ियों का आतंक। बहराइच के सिकंदरपुर में भी भेड़ियों का आतंक। हमले में बच्चे समेत कई लोग घायल। गांव में वन विभाग और पुलिसकर्मी तैनात किए गए। बहराइच में भेड़ियों की तलाश में 9 शूटर्स को तैनात किया गया। आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने के लिए तलाश लगातार कर रही है शूटर्स की टीम। बरेली में महिला समेत 3 लोगों को भेड़िए ने किया घायल। इलाज के लिए महिला को रेफर किया गया। जोधपुर में बड़ी मात्रा में हाथी दांत और पैंथर की खाल बरामद की गई। 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हिमाचल के चंबा में तेंदुए का खौफ। डलहौजी की सड़कों पर बच्चों के साथ देखी गई मादा तेंदुआ। हैदराबाद में मद निषेध और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई। विस्की आइसक्रीम रैकेट का भंडाफोड़ किया गया। गया को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की मिली सौगात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने उद्घाटन किया। हाथरस में बड़ा हादसा हो गया। रोडवेज बस और लोडर वाहन के बीच भीषण टक्कर हो गई। 15 यात्रियों की मौत। 13 लोग इसमें घायल हो गए। बदायूं पुलिस का अनोखा कारनामा। 8 साल पहले मृत व्यक्ति के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट। दिल्ली में रिंग सेरेमनी में पार्टी करने पहुंचे आरोपी को किया गया अपमानित। बदला लेने के लिए आरोपी ने की हत्या। कांवड़ मेले में बदले गए सलीम होटल के नाम को लेकर संगम होटल किया गया। स्वामी यशवीर जी महाराज ने नामों के बदलने को लेकर चेतावनी दी।
मणिपुर के पूर्व सीएम एम्मा कोईरेंग के घर पर रॉकेट से हमला किया गया। सेंट्री हाउस का एक हिस्सा नष्ट हुआ, एक शख्स की मौत, 5 घायल हो गए। गणेश चतुर्थी पर आज से शुरू होगा 10 दिवसीय गणेश महोत्सव, घरों और पंडालों में विराजेंगे गणपति बप्पा। गणेश उत्सव के मौके पर लालबाग के राजा के दर्शन कुमड़ी भक्तों की भीड़, भक्तों ने श्रद्धा से पूजा अर्चना की। तमिलनाडु के शिवगंगा में मनाई जा रही गणेश चतुर्थी, रंग बिरंगी खूबसूरत रोशनी से सजाया गया बापा का मंदिर। गणेश चतुर्थी के अवसर पर केले के पत्तों की बढ़ गई है मांग, कीमतों में इजाफा होने के बाद तमिलनाडु के कुड़ी के व्यापारी खुश हुए। पेरिस पैरालंपिक में प्रवीण कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद में जीता है स्वर्ण पदक। पीएम मोदी ने पैरालंपिक के पदक विजेताओं को जीत के बधाई दी। और अब वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं चीन से आई इन हाहाकारी तस्वीरों के साथ। तस्वीर आपके सामने, पहली वीडियो ब्रेकिंग। तूफान यागी ने चीन के हेनान प्रांत में दस्तक दी। 245 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार रही इस साल में दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली तूफान। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग, चीन के हेनान प्रांत के कई इलाकों में तूफान का हाई अलर्ट। अचानक आए भीषण तूफान से मची तबाही, सड़क पर जाता शख्स आया तेज हवाओं की चपेट में। शख्स को दूर तक तेज हवाएं अपने साथ ले जाती दिखी। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हवाओं की रफ्तार क्या थी। देखिए शख्स हवा की चपेट में आता और काफी दूर तक हवा इसे खींचती दिखाई दे रही। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, चीन के हेनान प्रांत से 4 लाख लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। स्कूलों और कॉलेज को किया गया बंद, रेल और बोट सेवाएं भी रोकी गई। यागी की एंट्री के बाद पूरे इलाके में उड़ाने रद्द। चौथी वीडियो ब्रेकिंग, चीन के होनान में तूफान यागी से भारी नुकसान। तस्वीरों में घरों की बालकनी गिरती नजर आई। बाढ़ से बचने के लिए इमारतों के बाहर रेत की बोरियों के अवरोधक लगाए गए, घरों की खिड़कियों को मजबूती से बांधने के निर्देश। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में चाकूबाजी की घटना। आरोपी ने चाकू से पुलिस अधिकारी पर किया हमला। बताया जा रहा है कि आरोपी ने फेक कॉल के जरिए पुलिस को बुलाया था। तस्वीरों में पुलिस अधिकारी पर हमला करता युवक नजर आ। और अब छठी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। रूस में रेलवे स्टेशन पर भीषण आग लग गई। जेलेनोग्राद रेलवे स्टेशन पर लगी है आग। आग ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने अब हम रखते हैं। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग जो कि दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना से है। यहां पर भीषण आग लग गई। जंगल में लगी आग ने विकराल रूप धारण किया। रिहायशी इलाकों की ओर बढ़ रही है जंगल की आग। एक शख्स ने बनाया गाड़ी में से जंगल की आग का वीडियो। नो बोलू दो
अमेरिका के अलबामा में खेतों में लगी आग, तेज हवाओं से फसल में लगी आग धधक उठी है। लोगों में दहशत, आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग, तुर्की में लोगों का सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। अजमेर बंदरगाह पर अमेरिकी नौसेना के जहाज की मौजूदगी का विरोध किया गया। ये तस्वीर आपके सामने। और ये देखिए यांकी गो होम, ये जो पोस्टर बैनर्स हैं वो लहराए गए हैं यूएस नौसेना के जहाज को वापस भेजने के लिए। वीडियो ब्रेकिंग, रूस में तालाब से अचानक आया मगरमच्छ। युवक ने तालाब में पत्थर फेंकते ही निकला मगरमच्छ, आगे आगे युवक और पीछे पीछे मगरमच्छ, जान बचाकर भागता दिखा युवक। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग, हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में सड़क पर तेंदुए, सड़क पर चहलकदमी करती दिखी मादा तेंदुआ। सड़क पर आने अपने चार बच्चों के साथ दिखी ये मादा तेंदुआ। वीडियो डलहौजी के बकरोटा इलाके का बताया जा रहा है। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के फ्लोरिडा में मूसलाधार बारिश, पिछले 12 घंटों में 4 इंच तक बारिश हुई। फ्लोरिडा के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग, चीन से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। हांगजो में रीजेंट इंटरनेशनल अपार्टमेंट बिल्डिंग की तस्वीर, 36 से 39 मंजिला इमारत की तस्वीर सामने आई है। बिल्डिंग में रहते हैं 20,000 से ज्यादा लोग। इमारत में मौजूद हर तरह की सुविधा। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग, कीव में यूक्रेन की महिला ब्रिगेड का एक्शन, रूस के शाहे ड्रोन को मार गिराया। यूक्रेन पर बमबारी के लिए भेजा गया था ड्रोन।